कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिश बिरयानी बनाएंगे, बहुत इजी मेथड से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 1.5 किलो मैंने हीरा मछली ली है, 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसके अंदर चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम इसमें पहले लगा चुके थे तो थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। 1/2 इसमें लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। ये मसाले लगा के हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि मसाले बहुत अच्छे से अंदर चले जाएँ और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। पीसेस क्योंकि ये पतले हैं तो इसको मैं फुल फ्राई कर लूँगी। अगर आपके मोटे पीस हों तो आप हल्कम फ्राई करके इसको, और आप इसको दम पे भी लगा सकते हैं। तो मेरे पीसेस पतले हैं तो मैं इसको दम पे नहीं लगाऊंगी, पूरी कंप्लीट इसको फ्राई कर लेंगे हम इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए मैंने तेज़ आप ऑयल गरम किया हुआ है इसका, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसको हम बिल्कुल कंप्लीट कुक कर लेंगे ताकि बाद में हम इसको सर्विंग के टाइम इसको लगा दें। बहुत मजे की बनती है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इतने इजी मेथड से बता रही हूँ, हर कोई बना सकता है इसको। इस तरह से फ्राई कर करके निकाल लें। ये देखें वही ऑयल मैंने ले लिया था और मैं इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च और छोटी इलायची ऐड की है, और 1 बड़े साइज की अनियन जो है फाइन चॉप कर ली थी उसको मैंने ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होंगे इसके अंदर लेकिन बहुत मज़े की बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको भी थोड़ा सा तल लेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। अदरक लहसुन को लाजमी फ्राई किया करें ताकि उसका जो है कच्चापन ना रहा करे, वरना एक स्मेल आती है। 1 टेबल स्पून इसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। देखिए मैंने थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। और 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के ब्लेंड कर लिए थे उसको ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर रही हूँ, नमक इसमें हम सिर्फ मसाले का डालेंगे, मसाले भर का, क्योंकि चावल में अलग नमक जाएगा तो इसमें मतलब उतना ही डालेंगे नमक। हरी मिर्ची थोड़ी ऐड कर रही हूँ फाइन चॉप की हुई, 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं लंबी लंबी, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मसाला भून लेंगे बस। पानी मैंने 2 जग पानी लिया तकरीबन 2 लीटर, उसमें तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची ये ऐड करके नमक 2 टेबल स्पून डाल देंगे उसके अंदर। 1 kg हमारे राइस है हमने भिगो के रखे हैं 1.5 घंटे तक, सेला चावल के बना रही हूँ। 2 से 3 घंटे तक इसको भिगोएं, अगर बासमती हो तो फिर 1/2 आवर के लिए बहुत काफ़ी है। चावल में हम बिल्कुल कनी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे पका लेंगे इसको। बस सिर्फ 5-7 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। क्योंकि सेवला चावल है तो इसलिए इसमें कनी नहीं भी होगी तो आराम से सेट हो जाते हैं ये। देखिए चावल हमने पसा लिए, आप राइस जो है मैं इसमें लगाती हूँ, फिर उसके बाद हम मसाला लगाएंगे।
मसाला इसको ऐड कर देंगे जो रखा है। इतनी सिंपल और इजी है और उतनी ही मज़े की लगती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा हरा धनिया पुदीना भी लगा रही हूँ उसमें कटा हुआ, और बाकी ये कि राइस हम इसके ऊपर लगा देंगे जो बचे हुए हमारे हैं हाफ। तेज पत्ते निकाल देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, 3-4 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑयल मसाले में भी है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे लगाया है। देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, देखें कितने ज़बरदस्त सा कलर और खिले खिले चावल बने और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना सिंपल और ईजी मेथड है इसका, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए कितनी ज़बरदस्त ही हमारी फिश बिरयानी तैयार है, और कितनी ईजी और सिंपल मेथड से। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।